to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolens, main sponsors TikTok, and brought to you by Soul City and Zameen.com. Har pata hame pata hai. जी, क्वेटा ग्लेडिएटर्स हैव फाइनली वन दिस मैच. उन्होंने कराची किंग्स को हराया एक बार फिर. यू नो दे हैव प्रूवन दैट यू नो दे आर द स्ट्रॉन्गर टीम व्हेन इट कम्स टू कराची किंग्स एंड क्वेटा ग्लेडिएटर्स. मैच समरी पे नजर डालते हैं बिकॉज दैट वाज वन टेरिफिक मैच फॉर द ग्लेडिएटर्स. कराची किंग्स पहले बैटिंग करते हुए जी 69 किया जी रॉजिंगटन ने 45 बॉल्स पे. इमाद वसीम देयर विद अनदर यूजफुल कॉन्ट्रीब्यूशन 30 नॉट आउट ऑफ 20 बॉल्स. आमिर यमीन ने भी एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया 23 नॉट आउट. लेकिन जी जो स्टार रहे आज के मैच के, यू नो चेजिंग 165, इट वॉज ईजी फॉर द ग्लैडिएटर्स बिकॉज दे लॉस्ट बैक टू बैक विकेट्स इन द बिगिनिंग. बट देन मार्टिन गप्टिल ऑफ कोर्स द मैन अगेन 86 नॉट आउट ऑफ 56 बॉल्स एंड द रेस्ट वॉज हिस्ट्री. अच्छा सपोर्ट उनको मिल गया सरफराज की तरफ से और कराची की बॉलिंग जो है उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया, खास तौर पे जो आखिरी के 5-6 ओवर्स थे. रियली इट रियली वेंट अवे फ्रॉम देम द गेम, जो कि हमें नज़र आ रही थी कि शायद उनके फेवर में चली जाएगी. बट ओवरऑल जो है एक अच्छा मैच हमें देखने को मिला, जो हमें लग रहा था कि शायद एक डेड रबर होगा, शायद यू नो कराची किंग्स आज जीतेंगे बिकॉज क्वेटा बैक टू बैक हार रहे थे. दे जस्ट वरंट लुकिंग एज गुड एज दे यूज टू लुक. लेकिन यू नो एज दे से कि कुछ भी आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं. T20 में और PSL में भी हमें यही देखने को मिल रहा है कि कभी भी कोई भी टीम बाउंस बैक कर सकती है. यू कैन नेवर कम्प्लीटली राइट ऑफ अ टीम. कल हम जो बात कर रहे थे कि ग्लैडिएटर्स जो हैं वो प्लेऑफ्स की रेस से जो है ऑलमोस्ट बाहर हो गए हैं, आज उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा दोबारा से जिंदा किया है. पॉइंट्स टेबल पर देखते हैं जी इस वक्त कहाँ पर हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स. They are still at the bottom. Nothing has changed over there. लेकिन अब उनके पास आज के मैच के बाद 4 points आ गए हैं. They have played 8 games, won 2 games, and with the 4 points, they are still sitting at the bottom. Karachi Kings, on the other hand, are out of the running right now because 9 games, only 2 wins so far. इसका मतलब है कि उनकी अब सिर्फ एक गेम रह गई है जो कि लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट है, और उसमें भी इफ़ दे विन तो अ लॉट ऑफ थिंग्स विल हैव टू गो इन देयर फेवर. उससे भी अभी हम बात करेंगे. बट लेट्स टॉक अबाउट दिस मैच और मार्टिन गप्टिल की उस इनिंग्स के ऊपर बात करते हैं. अ लॉट टू अनपैक देयर. आई हैव माई हंगामा खेस पैनल विद मी, मिस्टर सलीम मलिक, मिस्टर मोहम्मद यूसुफ एंड मिस्टर मोहम्मद आसिफ. अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन. वालेकुम अस्सलाम. So, before the show, before the game, we talked about predictions और हमने आप दोनों के predictions लिए थे. यूसुफ भाई ठीक यूसुफ भाई से शुरू करेंगे. वीडियो चलाएं ठीक ठीक वो वीडियो चला. अच्छा यूसुफ वो prediction इनकी थी कि आप भी आप उसका साथ दें. नहीं यूसुफ भाई ने आज जो है वो क्वेटा मैं अभी भी कहता हूँ कि कराची को जीतना चाहिए था. नहीं वो तो कह रहे हैं ना जीत चाहिए था. हाँ जीतना चाहिए था. जैसे कल आसिफ की हमदर्दियाँ थी क्वेटा के साथ, आसिफ लगता है हमदर्दियाँ आज उनको आपकी हमदर्दी आज पहुंची है वहाँ तक. आज यूसुफ ही थी. जी मुझे लग रहा है लग रहा है सर ये अल्लाह वालों आई चल दिमाग मैं क्या मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने देखे सोचा काफी है फिर मैंने कहा नहीं मुझे क्वेटा लग रही है आज. बस उन्होंने बाकी पॉज लिया था. मैंने कोई बात कॉन्टेम्पलेट किया था. ये भी नहीं कहा कि मैं 10:30 बताऊंगा. क्या वजह थी वैसे आपको मार्टिन गप्टिल की वो पिछली इनिंग्स आपके माइंड में चल रही थी जो आज ये जो शुरू के 4-5 ओवर है ना पहली इनिंग में ये थोड़े मुश्किल होते हैं. ये थोड़ा बहुत बॉल ग्रिप करता है स्विंग होता है ये नहीं कि दूसरी बारी में भी होता है. लेकिन जब दूसरी बारी में ज़रा आखिरी 4-5 ओवर अगर आप देखें दोनों इनिंग्स में कल के भी और आज के भी बैटिंग करना बहुत आसान है. आज भी इन्होंने आखिरी 15 बॉल पर कराची ने 34 रन बनाए हैं जिसमें से अमर यामीन ने 209 के स्ट्राइकर से बनाया जैसे कल उमर अकमल ने किया था. क्योंकि आखिरी 4-5 ओवर जो है ना बहुत इजी बैटिंग हो जाती है, बॉल बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बॉल इजी आ रहा होता है. जैसे गप्टल ने भी आखिर में किया है, उन्होंने पहली इनिंग में किया है, इसने दूसरी इनिंग में, कल उमर अकमल ने भी किया है, फिर उन्होंने भी किया है. तो थोड़ा सा ये आखिरी 4-5 ओवर हैं बहुत ईजी हो जाते हैं. अगर आप देखें दोनों मैचेस को निकाल के देख लें यहाँ बैटिंग करना बहुत आसान हो जाता है. तभी टीम जो है वो टॉस जीत के जो है वो कल उमर अकमल ने जैसे मारी थी वो बड़े आराम से लगी थी अगले पाँव पे. आज थोड़ा बॉल हार्ड था, थोड़ा नया था, वो बॉल ज़रा किक किया तेज़ आया इसलिए खड़ी हो गई.
अगर वो टेक्निकल चीज़ भी है ये इसमें, तो अगर वही वो लेट आता तो शायद वो आज फिर वही कर देता। चले, अगर अकमल को 130 वाली पेस होती तो शायद छक्का ही होता। वो बॉल तो किक कर रहा था, वो थोड़ा 140 प्लस वाला बॉलर था, इसलिए मुश्किल उसको होती है कोई भी बॉलर हो, क्योंकि कल आप देखेंगे बहुत स्लो उसकी 130 पेस थी, उसकी जो उसका स्ट्रॉन्ग था उस वहाँ वो बॉल करते थे। मगर देखें आज भी अगर आप गुप्टिल की इनिंग देखें तो 14 ओवर तक उसका 40 स्कोर था एज ओपनर, और मेरे ख्याल 40 ही उसने बॉल खेले हुए थे। हाँ, ये क्रेडिट जाता है कराची की बॉलिंग को, और नो डाउट वो बड़ा प्लेयर है, उसने आखिर में पूरा उसका फ़ायदा उठाया। अदरवाइज़ तो एंड तक अगर आप देखें इस एक ओवर में जिसमें 22 स्कोर हुआ है फुलर, जेम्स फुलर वाला ओवर, अगर वो उसको 16वां ओवर था शायद, हाँ 16वां या 17वां ओवर था, उसमें उसने एकदम गेम चेंज हुई है। अदरवाइज तो लग रहा था कि क्वेटा फुल वही है, मगर विद इन 2 ओवर, मगर वो प्लेयर तो है, उसने बड़ा उसका नाम, मुझे लगता है उनको कराची किंग्स के साथ खास हमदर्दी है मार्टिन गप्टिल को और उनके बॉलिंग अटैक को, क्योंकि लास्ट गेम में भी बड़ा वीक था और आज तो उन्होंने मूसा खान को भी खिलाया। आसिफ आप क्या कहेंगे यहाँ पे, कराची किंग्स ने एक और मौका अपने हाथ से गवा दिया। अच्छा उनके हाथ में मैच था, एक अच्छा स्कोर था, इट वॉज अ डूएबल स्कोर, इट वॉजंट रियली समथिंग कि वो कहें कि हमारे हाथ में ही नहीं था। The way they bowled in the last 5-6 overs, it really changed the game for them. जी बिल्कुल, अब पूरा मैच अगर आप देखें तो आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि दोनों टीमों से कोई भी टीम जीतना ही नहीं चाह रही थी मैच, कोई भी दिल से आज खेल ही नहीं रहे थे। उनके प्लेयर्स देख ले, बॉलिंग में देख ले, बैटिंग में देख ले कि 160 इजी चेजेबल स्कोर था आपका। आप थ्रू आउट आप पूरा मैच देखे, फील्डिंग पैथेटिक हुई है दोनों तरफ से ऑलमोस्ट, तो दोनों टीमें जो थी ना वो चाह रही थी कि चल यार तू जितला, चल यार तू जितला, ऐसे चक्कर में थी कश्मकश में। तो वो दोनों टीमों का जो ओवरऑल आप एनालाइज करें अभी तक जो पीएसएल हुई है, तो इनके 5-6 प्लेयर दोनों टीमों में से जो कि इनकी फ्रेंचाइज को सोचना चाहिए कि वो हिस्सा नहीं होना चाहिए, उनके एज फैक्टर हो गया है, वो फास्ट बॉलर से भागना शुरू हो गया दोनों टीमों में से। हाई प्लेयर्स की बारी है वो भी फास्ट बॉलर से थोड़ा सा भाग रहे थे और उधर से सरफराज भी थोड़ा सा भाग रहा था। तो आप देख ले, आपको नजर आ जाना चाहिए एज ए जज, अगर आप बैठे हैं थोड़ा सा आपके सेंस हो तो आपको नजर आ जाता कि यार एज फैक्टर हो गया, अब बंदे को खुद ही बाय बाय कर देना चाहिए। अच्छा हमें कह रहे हैं या किसी और को कह रहे हैं? वैसे आसिफ आप पहले प्रोग्राम में नहीं थे तो उसमें हम ये बात कर चुके हैं कि इनको 6-6 प्लेयर्स वाकई चेंज करने चाहिए, बहुत सारे। जी बिल्कुल, फ्रेंचाइज आप इतना बड़ा सेटअप लेके बैठे हैं सलीम भाई, तो आपको सोचना चाहिए, आपने वही 39-40 सबको सोचना चाहिए, फ्रेंचाइज को भी सोचना चाहिए, प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए। जी आसिफ, तो वो उनके 5-6 प्लेयर ऐसे हैं जो आप कैरी नहीं कर सकते, आप उनकी जगह यंग ब्लड लेके आए, यंग लड़के लेके आए, यंग अच्छा टैलेंट लेके आए, जो कि आपको एक T20 एक मॉडर्न क्रिकेट आई हुई है। आप देखे वो 160 करके दोनों टीमें ऐसा खेल रही थी, कोई इंजॉयमेंट नहीं थी गेम में, तो आप ऐसा बोरिंग सब महसूस कर रहे थे। तो आपके ऑलरेडी पिछला होल सीजन आपकी परफॉर्मेंस इतनी पैथेटिक गई, एक साल और बढ़ जाना आपकी एज। अच्छा ये वो देखिएगा, आसिफ की अगर बात कंप्लीट हो जाए तो मुझे मौका दे दीजिएगा। जी यूसुफ भाई, ये आप ठीक कह रहे हैं जो भी आपकी राय है, लेकिन देखें यंग हो लेकिन अच्छा खेलने वाला हो, देखें ये बड़ी एज का गप्टिल उसने मैच फिनिश कर दिया, तो एज मैटर नहीं करती, डिपेंड करता है कि आप खेलते कैसा है। अगर आप अच्छा खेल रहे हैं तो आप खेल सकते हैं, ठीक है, मगर गुप्टल ने भी ओवरऑल आपकी टीम को स्ट्रगल में ही रही है ना। नहीं वो अच्छे बात ठीक कर रहे हैं, गुप्टल ने 8 में से 2 मैच जितवाए, तो इधर तो किस जो आपने 40 बॉलों पे 40 रन किया है और आपकी नहीं फिनिश कर गया ना मैच, तो आ गया बात खत्म हो गई। बॉलिंग देखे ना, वो बॉलिंग गंदी हुई है, उनकी थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग होती तो गुप्टल स्ट्रगल कर रहा था। बॉलिंग गंदी होती तो स्कोर पड़ते हैं ना, वैसे कैसे पड़े, अच्छी बॉलिंग पे तो आउट कर। वैसे कराची जीतना चाह रही थी आसिफ, आज उनकी कोशिश थी कि उनके 6 पॉइंट्स हो जाएं, वो वैसे उनका था दिल के कराची जीते, मगर एक चीज़ आज
अच्छी लगी देख के कि मोइन बहुत खुश थे, वैसे लग रहा था जैसे फाइनल फाइनली उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। कैप्टन ने देखे अपना एक ओवर किया, आई डोंट नो कि क्यों किया, फिर आमिर यामीन अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसको तीन ओवर करवाए, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिसीजन आपने गलत किए तो। हाँ इसमें है कि खुद ओवर नहीं किए, ये सही कह रहे हैं, आई नहीं ठीक नहीं था, वो लिंप कर रहा था ना बाइक चला, बिल्कुल बिल्कुल, इस वजह से कुछ अनफिट लग रहा था, अनफिट लिंपिंग कर रहा था, बाइक अनफिट हुए हैं बीच में, और हमें यही था कि किसी ना किसी तरह जो है वो मैच कराची किंग्स जो है अपने हाथ से निकलने नहीं देगा, बट देन इन द एंड यू नो दे डिड नॉट बॉल रियली वेल, और उनका बॉलिंग कार्ड भी आप देखें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। आमिर भी आज थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहे, लेकिन उसके अलावा जो मोहम्मद मूसा जिसके बारे में हम बात काफ़ी कर चुके हैं, यंग प्लेयर है, यंग बॉलर है, लेकिन फिर भी उस तरह से हम वही बात जो हो गई कि यंग और ओल्ड होना वो मैटर नहीं करता, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है और आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टीम के अंदर, इस तरह मोहम्मद मूसा है, कोई उनको शायद फ़ायदा नहीं हुआ कराची की फ्रेंचाइज को उनका। नहीं, अगर आप गुप्टिल की इनिंग देखें ना तो वो रूम मांग रहा था शुरू में, काफ़ी देर उसने स्ट्रगल करता रहा, बॉल टू बॉल खेला, बल्कि उसके बॉल ज़्यादा थे, स्कोर कम था, मगर मूसा और ने जब उसको ओवर्स किए तो मेरा ख्याल कोई सीनियर प्लेयर उसको ये भी नहीं जाके बता रहा था कि वो अंदर वाली बॉल पे फंस रहा था ना, उसको आप उसकी बॉडी की तरफ बॉल करें, वो रूम मांग रहा था। मूसा बेशक यंग प्लेयर है, उसको अगर उसको समझ नहीं आ रही तो एटलीस्ट पीछे विकेट कीपर है, एक्सपीरियंस बंदा था, कप्तान था, बहुत सारे सीनियर प्लेयर थे जो उसको जाके समझा सकते थे कि यार इसकी बॉडी की तरफ बॉल करो, उसने वो, मगर उसको कुछ समझ नहीं आई, वो देखे ना वो कश्ती ऐसे डूब रही थी तो वो डूबती गई फिर। नहीं वो आपने मौका दिया ना कि आप जैसे आसिफ कह रहे हैं कि कोई जाके किसी को कुछ बता ही नहीं रहा था, वो टाइम गुजार रहे थे कि यार मैच खत्म हो तो हम घर जाएं। आपको लग रहा है कि वो ऑलरेडी मेंटली डिफीटेड थे आज के मैच में, मतलब नहीं, मगर कराची चाह रहा था जीतना, इसमें कोई शक नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि उनको कुछ तो फाइट करनी चाहिए थी ना उस बच्चे को जाके, अगर उसको समझ नहीं आ रही तो आप जाके समझाओ कि यार ये इसकी बॉडी की तरफ आप बॉल करो, मगर वो जितनी देर मेरे ख्याल समझाने की बारी आती उसका टाइम ही गुजर चुका था, वो उसने अपना काम कर दिया हुआ था गुप्टिल ने। Well, it was too late for those to rectify those mistakes. और कराची किंग्स अब वाकई उनके लिए बहुत लेट हो गया, बिकॉज 9 मैचेस उन्होंने ख़त्म कर लिए अपने, सिर्फ अब एक मैच उनका रह गया है, तो उनकी कोशिश पूरी होगी कि जो जो गलतियाँ इस पूरे सीज़न में उन्होंने की हैं, अगर वो बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर हैं, प्लेइंग 11 आपकी कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहे या जो भी ऑन फील्ड गलतियाँ थी उनको रेक्टिफाई करें, उनसे सीखें, क्योंकि अभी एक और मौका है कराची किंग्स के पास बिफोर दे हैव टू साइन ऑफ फॉर दिस सीज़न। वैसे ही अगर हम मोइन खान साहब की बात कर रहे थे तो वसीम अकरम साहब की भी वो क्लिप जो थी जिसमें वो काफी मायूस नजर आ रहे थे, कराची के पास, कराची के पास क्या मौका है फाइनल में आने का? नहीं, खाली अपने आप को थोड़ा सा एक सेविंग ग्रेस होती है ना कि आप बिल्कुल तो एक पिछले मैच साल भी क्योंकि फाइनल का तो कोई मौका अब नहीं है उनके पास, पिछले साल से तो इम्प्रूवमेंट है इस बार। जी चले, फेस सेविंग का मौका एक और है कराची किंग्स के पास। अभी यहाँ पे एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, व्हेन वी कम बैक वी विल unpack this match and what went wrong with the Karachi Kings. जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला पावर्ड बाय डॉलेंस मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक एंड ब्रॉट यू बाय सोल सिटी एंड zameen.com हर पता हमें पता है। कराची किंग्स ने जी 164 का टोटल जो है वो पोस्ट किया फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स टू चेज, और एक पॉइंट पे लग रहा था यू नो व्हेन दे टुक दोज अर्ली विकेट्स, 4-5 क्विक विकेट्स उन्होंने लिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, तो वी रियली थॉट कराची के फैंस भी काफ़ी खुश थे कि ये मैच फाइनली उनके फेवर में चला जाएगा और वो अपने आप को इस कॉम्पिटिशन में जो है वो अलाइव रख सकेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली यू नो एक बैक टू बैक उनकी जो वीक बॉलिंग हुई टुवर्ड्स द एंड, जो डेथ ओवर्स में वो अपनी उनकी बॉलिंग खराब रही, देन ऑफकोर्स दे लेट टू मैनी रन गेट अवे, और ऑफकोर्स जब मार्टिन गप्टिल इतनी ज़बरदस्त फॉर्म में हो, इतना अच्छा टाइम कर रहे हो और हर शॉट उनकी बाउंड्री पे जा रही हो, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा जो है आपके बॉलर्स और भी अंडर प्रेशर आ जाते हैं, और ऑलरेडी वो इतने अंडर प्रेशर थे आज के मैच में। लेकिन अगर हम क्वेटा की बॉलिंग के बारे में बात करें, एंड इफ़ वी टेक अ लुक एट दैट कराची किंग्स स्कोर कार्ड,
कहाँ पे गलतियाँ हुई जी, क्योंकि 164 वाज इस विकेट पे। मलिक साहब क्या लगता है आपको, ये स्कोर उनके लिए इनफ था? डू यू थिंक दे शुड हैव गॉन फॉर यू नो दे वर 20 ऑड रन्स शॉर्ट? देखिए 164 भी मेरा ख्याल बहुत स्कोर था, जैसे उनको स्टार्ट मिल गया था। वैसे तो 180 जैसे कप्तान ने उनके कहा था कि होना चाहिए जीतने के लिए, मगर 164 भी मेरा ख्याल बहुत स्कोर था। जैसे अर्ली विकेट्स मिल गई थी तो, और जैसे गुप्टिल ने और बाकी बहुत स्लो खेला, मतलब एवरेज जो थी वो 13-14 पे चली गई थी। उसके बाद वही बात के इंटरेस्ट शायद कोई नज़र नहीं आया कि एक तो फील्डिंग इतनी गंदी फील्डिंग हुई आज, हर बंदा जो था किसी ने ट्राई नहीं की। बहुत सारे कैचेज अगर आप देखें तो ट्राई भी नहीं किए, आगे गिरे। बिल्कुल, उससे तो जाहिर यही हो रहा था कि शायद मैच में किसी का इंटरेस्ट, दोनों जो आसफ कह रहे हैं कि इंटरेस्ट नहीं, मगर मेरा ख्याल में ये स्कोर ऐसा था कि कराची को मैच जीतना चाहिए था। जिस जहां वो ले गए थे मैच को 14 की एवरेज से, मतलब गुप्टिल को फिर वही इनएक्सपीरियंस बॉलर एक्सपीरियंस, लेकिन इन द एंड जो है 164, क्योंकि इमाद वसीम ने भी ये टॉस के वक्त यही कहा था कि हम एम करेंगे जी 180 तो हम जरूर टच करें। आसिफ आप क्या कहते हैं, डू यू थिंक कि ये स्कोर जो था कराची के लिए ये एक विनेबल डिफेंडेबल स्कोर था या उनको 180 तक एम करना चाहिए था? जी बिल्कुल, आप देखे 13वें 14वें ओवर तक कराची डोमिनेट कर रहा था, उन्होंने मैच को ग्रिप किया हुआ था, गुप्टिल स्ट्रगल कर रहा था, जिस तरह से उनकी फील्डिंग देखे एक एक दो दो स्टेप से कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए। ये T20 का फॉर्मेट नहीं है कि आप एक भी चांस देते हो तो फिर आपके हाथ से मैच चला जाता है। एक अच्छा कैच, जैसे कि हम पहले भी बोलते हैं, एक अच्छा रन आउट, एक अच्छी विकेट गिराना फील्डिंग में, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कराची की जिस तरह से फील्डिंग देखे बहुत लेजी, उन्होंने अप्रोच उनकी बहुत लेजी थी। आप मिड विकेट पे देखे दो एक दो कैचेस, गुप्टिल को तीन या चार चांसेस दिए होंगे गुप्टिल को, तो उसने टोटल किया। अगर वही चांसेस ना मिलते आप फील्डिंग में अप टू द मार्क रहते तो मेरा ख्याल है कराची को ये मैच जीत जाते इजीली। नवाज का पहली बॉल पे कैच छोड़ा उसने जी, फील्डिंग स्लिम भाई बहुत इनकी, ये देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, हम एक दफा जरा दोबारा दिखा दें व्यूअर्स को कि बार बार इतनी स्लॉपी फील्डिंग, इतनी साफ नजर आ रहा है कि बहुत जिस तरह कहते हैं ना हारी हुई बॉडी लैंग्वेज होती है। एक ही कैच दिखाई जा रहे, वो तो काफी कैच बताए उन्होंने तो, बिल्कुल ये नवाज का जिसकी बात हो रही थी वो कैच नहीं, वो जो गप्टिल का कोई नहीं दिखाया, गप्टिल का भी दिखा दें प्लीज। गप्टिल के भी यूसुफ भाई देखे दो तीन एक स्टेप से आगे गिर गए हैं, वो तैयब के लिए वो लड़का गप्टिल का खुद ड्रॉप किए, ये वो जो ड्रॉप हुए गप्टिल जिस पे, वो भी दिखा दें प्लीज। ने दिखा दिया उन्होंने, क्योंकि वो गप्टिल ने भी ये कैच ड्रॉप किया लेकिन ही मेड अप फॉर दैट इन हिज बैटिंग, तो दे वोंट रियली बी यू नो अपसेट अबाउट दैट एनीमोर। कैचेस तो बहुत गंदी बिल्कुल हुए हैं, वो नजर आ रहा था। लेकिन आसिफ अगर आप बात करें जी कराची की बैटिंग की, मिडिल ऑर्डर में फिर से कुछ उनको नहीं मिला। तैयब ताहिर चले वो यंग अभी हैं, यंग से मुराद के अभी उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है हाई प्रेशर मैचेस खेलने का, तो 7 पे वो आउट हुए कासिम अकरम। लेकिन शुएब मलिक जैसा नाम जो है अगर हम देखें, 13 स्कोर उन्होंने किया और सिर्फ 86 के स्ट्राइक रेट पे, यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो उन पर भी उठता है। जी मैंने पहले ही बोला कि 5-6 प्लेयर दोनों टीमों में ऐसे हैं जिनकी अब जगह नहीं बनती, उनको खुद ही छोड़ देना चाहिए, बाय बाय कर देना चाहिए, या तो फिर उनकी मैनेजमेंट। दोनों टीमें देखिए आज के मैच में कोई दिलचस्पी नहीं थी, आज का मैच हम दो कोई इतना वो नहीं था कि यार कोई भी जीतेगा तो रहना तो बॉटम पे ही है। तो इनको अपनी फ्रेंचाइज को जो भी मैनेजमेंट है इनको सोचना चाहिए, 3-4 प्लेयर इस साइड पे भी मिडिल ऑर्डर में। हाँ आपने एक आध अच्छा शो परफॉर्म कर दिया 10 मैचों में, तो आप कंसिस्टेंट तो है नहीं, आप टीम को तो विन नहीं करवा रहे, तो ये चेंजिंग करनी पड़ेगी। और दोनों टीमें इतने बड़े नाम देखे, कराची की इतनी बड़ी साइड है, वसीम भाई उनके साथ बैठे हुए हैं तो इसलिए वसीम भाई भी सोचेंगे। और जिस तरह से अपना कोयटा ग्लैडिएटर के कोच ने पेन और कॉपी हाथ में रखी है तो वो भी तो कुछ ना कुछ तो लाजमी लिख रहे होंगे ना। बिल्कुल, आज उन्होंने फाइनली अपनी पेन और कॉपी को थोड़ा सा साइड पे रखा, थोड़ा सा मुस्कुराए, इन्होंने विन एंजॉय किया। लेकिन बाकी जितने कैंप में थे, खास तौर पे जो बाकी कोचेस थे, स्टाफ था, जाहिर है उनके चेहरों पे यू कुड फील कि अब वो यू नो टूर्नामेंट से तो वैसे ही वो बाहर हो चुके हुए हैं, तो अब इतना मायने नहीं रखती ये जीत। लेकिन इन द एंड यूसुफ भाई, विन इज़ अ विन, विन इज़ विन। और अभी भी अगर दो अगले मैच जीत जाते हैं वो भी 8
पॉइंट्स पे आ जाएंगे, शायद कोई ऐसी रन रेट हो जाए। मैच हो गए बहुत, आठ हुए हैं अभी, आठ हुए। हाँ जी, हाँ जी। दो मैच रहते उनका, तो खैर अभी थोड़ा सा आज उनका चांस है। मैं आज कराची भी निकल गया क्योंकि उनका एक मैच रह गया। मैथमेटिकली तो कराची किंग्स भी अभी आउट नहीं हुए। नहीं लेकिन वही बात है, अगर आपने कैलकुलेशन करनी, अगला मैच में लाहौर से है, इनका मैच भी लाहौर से है। यूसुफ भाई मतलब तुम पेशावर जलमी को बाहर निकलवा रहे हो। नहीं अभी तो नाम ही नहीं लिया किसी का, अल्लाह के बोल रहे हैं ना, दो मैच और जीत गए तो इसका मतलब पेशावर जलमी फिर बाहर रहेगी। अच्छा ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, जैसे आपका दिल कर रहा है, आपकी राय है जो। नहीं हालांकि पेशावर जलमी के तो तीन मैचेस रहते हैं अभी। जी जी, अभी कल उनका चार रहते हैं, उनके चार तीन चार मैचेस पेशावर जलमी के चार मैचेस रहते हैं, कराची का एक। फिर चारों हारे तो फिर ही बाहर होती है। ये आसफ साहब कह रहे हैं, अब देखें क्या होता है। सब टीम इस वक्त जलमी को देख रहे हैं। तुसी कह रहे हो ये देखें जो पॉइंट मैच में कोई नहीं बात कर रहे उनके पास तो उनको भी सोचना पड़ेगा। अगर क्वेटा ग्लैडिएटर अगर दो मैच जीती है तो ऑब्वियसली यूसुफ भाई कह रहे हैं कि आठ पॉइंट पे आ जाएगी और बाकी टीमों के लिए भी थोड़ा सा तंग करेगी। तो बाकी अगर अगले मैचेस पे डिपेंड करता है कि आगे अगले टीमें कैसे परफॉर्म करती है, ये भी उनको देखना पड़ेगा ना। अब ऑल आईज ऑन पेशावर जलमी, वो अपने अगर अगले सारे मैचेस जो है, अगर वो अपने अगले सारे मैचेस हार जाते हैं और क्वेटा अपने अगले जो दो मैच उनके रह गए हैं वो जीत जाते हैं, तभी उनका चांस जो है वो बेहतर होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल कराची किंग्स के लिए जो है एक दफ़ा फिर इस सीज़न अल्लाह हाफिज़ हो गया है, उनकी PSL जर्नी यहाँ पर ही ख़त्म होती है। और यहाँ पर एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अब कप्तान पर, क्योंकि लास्ट सीज़न काफ़ी तनकीद हुई थी क्योंकि बाबर आजम पे बातें बनाई जा रही थी कि कप्तान की वजह से कराची किंग्स जो हैं वो नहीं खेला सही और जो भी बातें हुई। यूसुफ भाई इस बार तो कप्तान जिम्मेदार नहीं है इसका, तो फिर कौन जिम्मेदार है? मैं तो वैसे कप्तान को पहले भी नहीं कहता किसी को, मैं तो कहता टीम नहीं अच्छा खेलेगी तो टीम जीत जाएगी, टीम बुरा खेलती है तो आसान होता है ना कप्तान को कहना कि ये तो मेरा मकसद ये एक वैसे एक बन गई हुई रूटीन बन गई हुई है कि अगर टीम हारती है तो या कप्तान को आपने खींचना है या कोचिस को। तो मेरा मकसद है कि सब एक टीम होती हैं, सब मिलके एक टीम बनी होती है, तो कॉम्बिनेशन बना होता है। बाज़ का आपकी चीज़ें फेवर में चली जाती हैं, बाज़ का नहीं जाती। जैसे क्वेटा ग्लैडिएटर की कई दफ़ा मैंने देखा है कि उनकी चीज़ें फेवर में नहीं आ रही, हाथ से निकल जाती हैं, जो कुछ कर रहे होते हैं गलत हो जाता है। तो इसमें कप्तान का कोई कसूर नहीं होता है। जैसे थोड़ा सा मैं जैसे शहनशाह अफरीदी को क्रेडिट दूंगा, वो जिस तरह लेके वो जो मूवमेंट करता है बहुत अच्छी कर रहा होता है, नज़र आ रहा होता है। ये नहीं कि उनकी टीम भी अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ें वो ऐसी करता है कि वो लग रहा होता है कि ये मीन है, कोई बात इसको समझ आई है तो इसने किया है। बॉलिंग चेंजिंग, बैटिंग ऑर्डर में खुद भी आ गया एक दिन। बिल्कुल, तो ये चीज़ें बहुत तारीफ हुई है अभी उनके बारे में, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं खास तौर पे कलंदर्स के, सिकंदर रजा खास कोई कोई देखे किसी प्ले किसी कैप्टन की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो क्लिक कर जाती हैं, वो सबको नज़र आ रही होती हैं। कई अब इमाद इतना अच्छा खेला, टीम हार रही है, इसमें कप्तान का कसूर है? वो कैप्टन होता है ना, तो वो इसलिए उस पर हम जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी खेलते थे ना, तो जब टीम हारती थी ना तो हमेशा कैप्टन पे डाल देते थे, ऑफिशियल बच जाते थे वो। इधर भी मेरा ख्याल यही होना कैप्टन पे डाल दी जाती है। हालांकि जैसे यूसुफ कह रहे हैं कि कैप्टन ने तो अपनी फुल कोशिश की ना, उसने फील्डिंग बॉलिंग बैटिंग हर चीज़ में उसने अच्छा परफॉर्म किया, टीम ने अच्छा नहीं किया, तो टीम किसने चूज़ की उनका उनको कोई ब्लेम नहीं करेगा, ये होना तो यही चाहिए। सॉरी फॉर किंग्स फैंस, उनके लिए बहुत बड़ा एक और बैक टू बैक अपसेट हुआ है बिकॉज नाउ देयर टीम इज वंस अगेन आउट ऑफ द रनिंग्स फॉर द प्लेऑफ्स। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद व्हेन वी कम बैक वी विल टॉक अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट फ्रॉम द किंग्स। स्टे ट्यून्ड। Right, welcome back to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola powered by Dolins.
मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक एंड ब्रॉट टू यू बाय सोल सिटी एंड zameen.com. हर पता हमें पता है. कराची किंग्स के लिए इस वक्त बहुत मुश्किल हो गई है टूर्नामेंट में, बिकॉज नाउ दे हैव लॉस्ट अनदर गेम. 9 मैचेस जो हैं वो खेले हैं और 9 में से जी सिर्फ 2 मैचेस वो जीते हैं. सो नाउ दिस मीन्स दैट दिस इज द एंड ऑफ द रोड फॉर देम मोस्ट प्रोबेबली, इन फैक्ट मोस्ट डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशंस में पड़ जाएँ और वो परम्यूटेशंस में पड़ जाएँ तो फिर तो बहुत सारे सिनेरियोज निकल आते हैं. लेकिन वही है कि वो उसकी बहुत बहुत लो प्रोबेबिलिटी है. तो कराची फैंस, really sorry but this might be the end of the road for your team. यहाँ पे हमने काफ़ी analysis की जी आज के match की भी, and then overall जो गलतियाँ हुई Karachi Kings से. यूसुफ भाई, आप क्योंकि आपका इतना experience है as a captain भी as coach भी, क्या लगता है आपको सबसे major वजह क्या बनी Karachi Kings की bad performance की इस season? देखिए, उनके प्लेयर्स कोई भी क्लिक नहीं कर पा रहा जिस तरह करना चाहिए, जैसा दूसरी टीमों के कर रहे हैं. एक तो मैंने पहले ही रीज़न बता दी थी कि ये दो जो इन्होंने मर्जिंग प्लेयर लिए हुए हैं, एक पहले खेला काफ़ी मैच, कासिम अकरम को पहला खिलाया था, उसके बाद आज खिलाया, आज फिर वो काम नहीं कर सका. फील्डर इतना अच्छा था, उसमें भी उसने ड्रॉप किया, शायद प्रेशर में आया हुआ है. न्याजी को बहुत ज़्यादा चांसेस दिए हैं, 6-7 मैच खिलाए हैं, लेकिन उस तरह नज़र नहीं आया जिस तरह बाकी टीमों के इमर्जिंग प्लेयर नज़र आए, जैसे साइम अयूब है, हसीबुल्ला है, एहसानुल्ला है, ये सब इमर्जिंग प्लेयर हैं, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. एक तो ये रीज़न है. दूसरा ये कि जो इनके सीनियर प्लेयर हैं कुछ, वो भी वैसे वह काम नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए, जैसे टीम को आगे ले कर चलना है. सवाए इमाद वसीम एक अकेला नज़र आ रहा उनकी टीम में कि जो कोई परफॉर्म कर रहा है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन एक बंदे की से नहीं जीत सकते. आपको 3-4 अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए होती है. मेरे ख्याल में बोलिंग उनकी जो है वो बॉलिंग भी है वीक रही है. आमिर को मैं देख रहा हूँ, वो गुस्सा बहुत कर रहा है. देखिए, आज जैसे उसने यंगस्टर पर गुस्सा किया है, ठीक है मिसफील्डिंग हो जाती है और बॉलर गुस्सा भी करते हैं, ठीक है हो जाता है, लेकिन उसने सॉरी भी किया उसके बाद, फिर भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ. तो ये यंगस्टर का हौसला बढ़ाना होता है, वो नया लड़का है इसके सामने, और ये एक बहुत सीजन प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इसको थोड़ा काम रहना चाहिए और ताकि अपनी बॉलिंग और बेहतर कर सके. गुस्से में बाज़कत आप डिसीजन सही नहीं ले पाते और पूरी दुनिया देख रही होती है, और अगर उसने सॉरी ना किया होता, आगे से कुछ चीज़ करता, तो फिर तो चलो आप और गुस्सा कर सकते. तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी आपको आपकी ट्रैक से हटा देती हैं. आ जाता गुस्सा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आता, लेकिन अगर उसने यंगस्टर ने सॉरी कर दिया है तो मेरा ख्याल है उसे मान लेना चाहिए. आसिफ, आप कुछ ऐड करेंगे इस पे, कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है बॉलर को जब मिस फील्ड होती है? जी, एक्चुअली मैच ऐसी क्रूशियल स्टेज पे आया हुआ था कि आमिर का गुस्सा बनता भी था मगर ज्यादा नहीं बनता था. होता है हीट ऑफ द मोमेंट चीजें होती है, कैच ड्रॉप होते हैं, आप मैच विनिंग सिचुएशन में थे उस वक्त, अगर वो कैच पकड़ा जाता तो आउट हो जाता, मगर हीट ऑफ द मोमेंट चीजें होती है. मगर आमिर ने थोड़ा सा पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा ही किया जो उसको नहीं करना चाहिए एज ए सीनियर प्लेयर, एज ए सीनियर गाय, उसको यंगस्टर के लिए एग्जाम्पल बननी चाहिए. नो डाउट ओवर थ्रू आउट कराची के 2 प्लेयर ने एक्चुअली परफॉर्म किया, मैं क्रेडिट थोड़ा सा आमिर को भी दूंगा. आमिर ने थ्रू आउट बॉलिंग इतनी बुरी नहीं की, उसने T20 जिस तरह की क्रिकेट चल रही है, आमिर और सिर्फ अमाद वसीम, दैट्स 2 प्लेयरों से टीम नहीं चल सकती. आपका पूरा टीम वर्क होता है, आपने सपोर्ट करनी होती है, आपकी फील्डिंग स्टैंडर्ड इतना अप टू द मार्क नहीं था, और आप देखिए कंसिस्टेंट आप फिनिश कर रहे हो छठे पांचवें छठे पे पिछले 3-4 साल से, तो बहुत सारी खामियां फिर नजर आनी चाहिए कि आप चेंजिंग करनी पड़ेगी आपको. आप यंगस्टर भी ले रहे हो, पिक अच्छी नहीं कर रहे, आई डोंट नो क्यों. आपने जो पुराने प्लेयर रखे हुए हैं वो भी, उनका भी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप उनकी जगह नहीं बनती. आप टीम वर्क होता है, आपने यंगस्टर लेके आना, आपने एकेडमी रन करनी है, यंगस्टर को तैयार करें. तो ये थोड़ा सा नो डाउट आमिर का रिएक्शन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, मगर उसको कंट्रोल करना चाहिए. बिल्कुल. और इस सीजन उन्होंने जो कराची किंग्स ने जो एक बहुत बड़ा जो डिसीजन लिया था, एक तो जाहिर है कैप्टेंसी चेंज हुई थी, और फिर उन्होंने जो बाबर आजम को ट्रेड किया था फॉर शुएब मलिक एंड हैदर अली, ये 2 प्लेयर्स उन्होंने ट्रेड किए थे जलमी के साथ. मलिक साहब, डू यू थिंक कि ये फैसला उनके लिए अच्छा साबित हुआ कि उन्होंने हैदर अली और शुएब मलिक को शामिल किया? दे कुड हैव गॉन फॉर समबडी एल्स एज वेल. देखें, ये तो मेरा ख्याल उस वक्त शायद बेहतर ही उन्होंने सोचा हो, उनको तो नहीं ये आइडिया था कि ये परफॉर्म नहीं करेंगे. मगर अभी आप आमिर की बात कर रहे थे, देखें
जब ऐसी सिचुएशन में मिस फील्डिंग होती है ना, तो वो नेचुरली बंदा गुस्सा करता है। मुझे याद है इमरान खान तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे कहा करते थे जो शायद टीवी पे लोगों को भी समझ आ जाती थी कि ये क्या कह रहे हैं। तो अगर आमिर पर वो तो कैप्टन के तौर पे थे ना, ये नहीं तो, और... तो जब आपकी बॉलिंग पे एक बॉल कैच को छूटेगा और आप जीत रहे हो और आपके हाथ से मैच निकलो, तो हीट ऑफ द मोमेंट आप मतलब हो जाता है। मगर ये वो उसका मतलब ये नहीं होता कि मैच के बाद भी जाके वो उससे लड़ाई करेगा, वो उस वक्त हो जाता है। मेरा ख्याल फास्ट बॉलरों की है ये, जितने भी आप फास्ट बॉलर देखें, ये सिवाय आमिर अकेला नहीं है। जिसका कैच गिरेगा वो उस वक्त कुछ ना कुछ कहेगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ, इमरान खान तो बहुत कुछ कहा करते थे जो टीवी पे नज़र आता था लोगों के, यार ये क्या कह रहे हैं। तो ये हो जाता है, फास्ट बॉलर की ये प्रॉब्लम है जी। बट ओवरऑल कराची किंग्स के तकरीबन सारे प्लेयर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज नज़र आ रहे थे, खास तौर पे इमाद वसीम जो कि यूजुअली काफ़ी पॉजिटिव लगते हैं इवन आफ्टर डिफीट। आज थोड़ा सा वो पोस्ट मैच सेरेमनी में भी थोड़ा सा नज़र आ रहा था कि ये लॉस जो है ये रियली उनको फील हुआ है, क्योंकि अब एक्चुअली उनके पास कोई तरीका नहीं है टू रियली बाउंस बैक दिस सीज़न। और वही बात है जो उन्होंने लास्ट सीज़न सुनी होंगी, क्योंकि टीम का तो वो हिस्सा थे, तो वही बातें जो है इस बार दोबारा से सुन रहे होंगे। तो एज कैप्टन यूसुफ भाई, ये तो बड़ा डिफिकल्ट होता है कि आपने थ्रू आउट अपने आप को पॉजिटिव रखा, यू नो बैक टू बैक आप गेम्स हारे हैं, लेकिन नाउ यू नो एक वो भी क्योंकि इंसान है, उनके ऊपर भी ये चीज़ बहुत वो फील कर रहे होंगे कि डिस्पाइट गिविंग हिज बेस्ट विद द बॉल विद द बैट आज यहाँ पर खड़े हैं वो। ओबियसली डिसअपॉइंट तो है, वो पूरी टीम ने वैसे परफॉर्म नहीं किया जैसे करना चाहिए था, जैसे वो खुद कर रहा था, और वो तो फ्रंट पे लीड कर रहा था, उसने हर जगह बॉलिंग में बैटिंग में हर जगह उसने कोशिश की कि वो 100% दे, अपनी टीम को लिफ्ट करे, लेकिन टीम कहीं भी साथ नहीं दे सकी, क्लिक नहीं कर सकी, जो उनकी तवक्कुआत थी टीम से वैसे वो परफॉर्म नहीं कर सके। देखिए आज की जो आज का जो स्पेशल मैच है ना, ये मुझे लगता है कि उन्होंने मार्टिन गप्टिल ने या इन्होंने बैठ के ज़रूर सोचा होगा, मेरी अपनी सोच है कि आखिरी 4-5 ओवर बहुत इजी होते हैं, जिस तरह वो खेल रहा था सिंगल जैसे 40 पे 40 ये कह रहे हैं, तो बाद में उसको आइडिया था कि बाद में बॉल बहुत इजी आता है बैट पे, सॉफ्ट हो जाता है, उस तरह जो किक नहीं करता बहुत बाइट नहीं रहती, तो मारना आसान होगा। तो जिस तरह उसने बाद में फिर मारना शुरू किया है, वो मैच एक साइड पर कर दिया। ये हो सकता है उनकी प्लानिंग हो जिस तरह वो खेल रहा था, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में ऐसा हुआ है कि आखिरी 4-5 ओवर्स में ज़्यादा रन्स बने बनिस्बत पहले 10 में महल 65 रन्स थे, अगले 10 में 100 चाहिए था उनको, आखिर में 13-14 की एवरेज थी। वो एक प्लानिंग भी हो सकती है, क्योंकि मुश्किल है शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, बाद में बहुत आसान है, ये कल भी हुआ है आज भी हुआ है। तो ये चले अब आज की तो कहानी ख़त्म होती है कराची किंग्स की, लेकिन कल जो है डबल हेडर आ रहा है जी, कल 2 बड़े बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। पहला मैच पेशावर जलमी और लाहौर कलंदर्स के बीच में है, और दूसरा मैच जी शाम का इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान। सो द टॉप 4 टीम्स ऑन द पॉइंट्स टेबल विल बी इन एक्शन टुमारो। और यहाँ पे आसिफ आपकी क्या उम्मीदें हैं? वैसे कल पेशावर जलमी और लाहौर कलंदर्स हैं, बाबर और शाहीन आमने सामने होंगे, लाहौर तो क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन पेशावर जलमी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा मैच। जी ऑफ कोर्स, क्योंकि पेशावर जलमी ऑलरेडी चौथे पे चल रहा है, उनके लिए मैच तो बड़ा क्रूशियल है। मगर देखिए लाहौर को, लाहौर जिस तरह से नो डाउट वो इजीली पिछले 2 मैच जीते हैं, इजी नहीं जीते, मगर उनकी जिस तरह से बॉलिंग नजर आ रही है, उनकी फील्डिंग नजर आ रही, बैटिंग में जिस तरह से जान मार रहे हैं वो, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कल इजी आएंगे पेशावर के अगेंस्ट, हालांकि वो पहुंच भी चुके हैं, मगर वो शायद एक आध एक्सपेरिमेंट कर ले, एक आध चेंजिंग कर ले, उनके पास मार्जिन है कि एक आध चेंजिंग जो वी आर ऑल वेटिंग ईगरली टू सी।